मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा लक्ष्य है कि व्यसन मुक्त भारत और हर एक के लिए मानसिक स्वास्थ्य। उसके अंतर्गत हमारे हॉस्पिटल्स है और अलग अलग लोगों को काउंसिलिंग सेशंस मैं करते रहता हूँ और उसका एक पार्ट है आज का ये वीडियो। लोग अपने जीवन में काफ़ी सपने तैयार करते हैं, उनको काफ़ी एस्पिरेशंस रहते हैं, कुछ गोल्स रहते हैं, उनके कोई ड्रीम्स रहते हैं और वो सपने या उनके ड्रीम्स साकार नहीं होते क्योंकि वो दिमाग में रहते हैं और वो दिमाग में रह के फिर वो एक्चुअली जब उनको एग्जिस्टेंस में नहीं है, सामने नहीं है, तो वो दिमाग में ही गायब हो जाते। तो उसके लिए क्या क्या करना, उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ। वो स्टेप्स ऐसे है कि पहले नंबर एक जो है वो अपने सपने जो है, अपने जो गोल्स है वो लिखो और जितना क्लियर कट वो लिखेंगे उतना अच्छा है कि मुझे करना क्या है। जैसा मुझे 50 लाख का फ्लैट ये फलाने फलाने एरिया में लेने का है, या मुझे एक कोई भी गाड़ी से होंडा सिटी गाड़ी मुझे ये तारीख तक लेने की है, या मुझे ये डिग्री हासिल करने की है, या मुझे एक यूरोप टूर करने का है, ऐसा मतलब क्लियर कट लिखो उसको। जो भी आपको करना हासिल वो क्लियर कट लिखना चाहिए। नंबर दो है कि हम क्या करते हैं, वो हमारे दिमाग में रखते हैं, लिखा भी तभी किसको बताते नहीं। तो नंबर दो का उसका जो स्टेप है वो लोगों को शेयर करो। हम किसको बताते नहीं है क्योंकि हम बताएंगे तो हमको लगता है कि लोग एक तो मजाक उड़ाएंगे, या समझो मैं वो अचीव नहीं कर पाया तो लोग हंसेंगे, या मुझे ही एक ऐसा लगेगा यार मैंने किया नहीं करके। मगर आप जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा है, उतना वो अपने दिमाग में जीवित रहता है और लोग भी हमको होल्ड टू अकाउंट करेंगे उसके लिए कि आपने किया क्या, कहाँ तक आ गया, तो वो भी लोग भी आपको होल्ड टू अकाउंट करेंगे, तो वो लोगों को शेयर करो। तीसरा जो स्टेप है वो है कि वो सपने क्या ड्रीम्स या गोल्स जो है वो साकार कैसे करना, उसका डिटेल एक्शन प्लान, कब कब क्या क्या होगा, मतलब उसको टुकड़े में तोड़ो और कब एक्शन, कौन से दिन, कितने बजे लेने वाले हैं, किसके साथ में आपकी मीटिंग होगी, किसको आपको फोन कॉल करने का है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, दिन मतलब डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ, कैसा होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। तो वो डिटेल उसका एक्शन प्लान बनाना बहुत जरूरी है, वो भी लिखना जरूरी है कि कौन सा एक्शन प्लान मैं इसके लिए कर रहा हूँ। फिर चौथा है कि वो जो आपको सपना है या जो आपका गोल है, जो ड्रीम है, जो एस्पिरेशन है, जो भी है, उसको आपको विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज करना और वो एज इफ नाउ मतलब एज इफ वो अचीव हुआ है, इस तरह उसको देखना है सामने, आंखों के सामने कि वो हो चुका है, एक्चुअली डन डील है, मतलब हो गया। तो उसको जितना क्लियर विजुअलाइज आप करेंगे उतना वो ब्रेन के ऊपर उसके ठप्पे पड़ेंगे और ब्रेन के ऊपर एक बार ठप्पे पड़ेंगे तो नेचुरली ऑटोमेटिकली एक्शन आना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्शन आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम जब विजुअलाइज करते हैं तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो ब्रेन की है उसके ऊपर उसके इंप्रेशन गिरते हैं और वहां से फिर एक्शन ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। तो उसको विजुअलाइज करो। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है उसकी, पांचवी स्टेप, कि उसको टाइम लाइन दो कि भाई मेरे को कौन से टाइम तक ये पूरा करने का है, उसको डेडलाइन दो। उसको डेडलाइन नहीं होगी तो सपना डेड हो जाएगा। तो डेडलाइन जब रहेंगी तो लाइन तक मुझे पूरा करना है और फिर वो टाइम तक मुझे पूरा करना है तो बैकवर्ड्स आने का है। मतलब एक गोल मुझे जैसे आज की समझो तारीख है 1st of May फॉर एग्जाम्पल, तो 1 मई 2018 है आज समझो, तो 1 मई 2018 से भी मुझे 1 मई 2019 तक ही पूरा करना है, एक साल में ही मेरे को पूरा करना है। तो फिर अप्रैल महीने में, मार्च महीने में, फरवरी महीने में, मतलब दिसंबर 2018, फिर अक्टूबर 2018, ऐसा पीछे पीछे आके अगले हफ्ते में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से वो उसको तोड़ो और वो टाइमलाइन उसको दो, डेडलाइन दो, टाइम बाउंड फेनोमेना उसका करने का है। फिर छठी जो स्टेप है उसमें ये है कि आप जब छोटे छोटे एक्शंस लेते हो तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। जब एक्शन लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ काम करना है, एक्शन लेने के परफॉर्मेंस देने का है, तो जब उसमें आपको रिजल्ट मिलता है और जो डिजायर्ड रिजल्ट है, डिजायर्ड आउटकम जो है वो यदि आपको अचीव हो गया तो आपने खुद को रिवार्ड देने का है, खुद को बख्शीश देने की है, खुद को पुरस्कार देने का है, छोटा भी होगा तभी। समझो मुझे चॉकलेट अच्छा लगता है बड़ा वाला, तो मैं चॉकलेट खाता हूँ, मुझे आइसक्रीम लगती है, तो मैंने इतना ये हफ्ते में काम किया, जैसा मैंने सोचा था उतना काम हो गया, उतने रिजल्ट्स ये हफ्ते में आ गए, तो मैं खुद को पुरस्कार दूंगा, रिवार्ड दूंगा कि मैं ये हफ्ते में सिनेमा पिक्चर देखूंगा, या ये हफ्ते में बाहर खाना खाने जाऊंगा, या ये हफ्ते में आइसक्रीम लूंगा, जो भी देना है आपको पुरस्कार, खुद को शाबाशी देना, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करना है।
और फिर वो हफ्ते में वो यदि पूरा हुआ नहीं, वो एक्शन लिया नहीं है, उसके रिजल्ट उतने आए नहीं, तो खुद को पनिशमेंट भी देना, पेनल्टी भी देना। पेनल्टी कोई भी रूप में हो सकती है कि मैंने वो अचीव होने तक, मतलब जो मैंने सोचा था कि ये हफ्ते में संडे तक मैं इतना करने वाला हूँ और उतना हुआ नहीं, उतने रिजल्ट्स आए नहीं, तो उतने रिजल्ट्स आने तक मैं खाना नहीं खाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, या मैं चाय नहीं पीऊंगा, या मीठा छोड़ दूंगा, या जो भी कुछ आपको करना है, कोई भी रिवॉर्ड आपको देने का है तो वो रिवॉर्ड देने का, कोई भी पेनल्टी देने की तो पेनल्टी देने की है, मतलब अच्छा हुआ तो रिवॉर्ड देना, नहीं हुआ तो पेनल्टी देना, और उसको प्रतिबद्ध, वचनबद्ध होना उसके प्रति। तो हम ये करते हैं तो डेफिनेटली आपके सपने जो है वो मरने के पहले, मतलब सपने मर जाते हैं, आप नहीं, ये आप भी मर जाते हैं तो उसके पहले वो साकार हो जाएंगे। तो अपने सपने साकार करना है तो इस तरह के आप यदि उसको राइट इट डाउन, लिखते हैं, रट्टा मारते हैं, शेयर करते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं, टाइम लाइन देते हैं, और उसको रिवार्ड सिस्टम, पेनाल्टी से ये मतलब सब करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, ऐसे सब मैंने जो स्टेप बताया वो यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपके सपने साकार हो सकते हैं। सर काफ़ी सारे लोगों के उनके सपने साकार नहीं होते होंगे, आपके आपके परिचित ऐसे लोग होंगे कि जो उनको रिजल्ट नहीं मिलते होंगे। मैं आपको ऐसी रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ये वीडियो जरूर शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो दे दो, ताकि लोग यदि ये स्टेप्स से जाते हैं, ये सिस्टम से जाते हैं, तो उनको जो भी उनके जीवन में चाहिए वो उनको मिल जाएगा, तो आपका हाथ उसमें लग जाएगा, और हमको जो हमारा जो मिशन है उसमें आपका भी सहयोग हो जाएगा कि हर एक के लिए मानसिक स्वास्थ्य और हर व्यक्ति शक्तिशाली जीवन जिएगा हमारे देश में, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।